गवर्नर कुछ भी कर सकते हैं, गवर्नर विल बी इन टोटल कंट्रोल ऑफ थिंग्स नाउ। इसके बाद तो सारी ताकत गवर्नर के पास ही रहेगी। तो व्हिप लागू होता है वोटिंग पे, वोटिंग होती है सदन के भीतर, आप फलाने कमरे में इतने बजे आ जाओ, आप मेरे दफ्तर में इतने बजे, इस पे व्हिप लागू नहीं होता है। महाराष्ट्र में इस समय राजनीतिक संकट छाया हुआ है। जो सत्ताधारी पार्टी है या जो सत्ताधारी गठबंधन की जो अगुआ पार्टी है शिवसेना, उसके एक बड़े नेता एकनाथ शिंदे बहुत सारे विधायकों के साथ असम में जाकर इस समय बैठे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार काफ़ी समस्या में है, दिक्कत में है। इस बीच तमाम तरह की बातें हो रही हैं, कभी ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करेंगे, कभी शिवसेना अपने विधायकों को जो बागी हो गए हैं इस समय उनको ये कह रही है कि आप पार्टी की बैठक में आइए नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी तमाम परिस्थितियाँ हैं। हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ एस के शर्मा हैं, जिनका बहुत लंबा अनुभव है दिल्ली विधानसभा और संसद में, इन्होंने तमाम कार्रवाइयों को और जो लेजिस्लेटिव जो सारा बिजनेस होता है उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, कई किताबें लिखी हैं इन्होंने, उनसे बात करते हैं और उनके अनुभव से जानते हैं कि क्या परिस्थितियां महाराष्ट्र में बनती हुई इन्हें दिख रही हैं। शर्मा साहब, पहला तो मैं यही जानना चाहूँगा कि एक ये जो बात आ रही है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे और राज्यपाल से सिफारिश कर देंगे कि आप विधानसभा को भंग कर दीजिए, क्या राज्यपाल इसे मानने को बाध्य होंगे? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एड एंड एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से राज्यपाल चलते हैं, लेकिन क्या इस स्थिति में भी राज्यपाल को इसे मानना होगा या अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे? देखिए, अगर मुख्यमंत्री के पास मेजॉरिटी है और मुख्यमंत्री कोई सिफारिश करते हैं तो राज्यपाल मानने को बाध्य है, लेकिन वर्तमान स्थिति में मुख्यमंत्री के पास ऐसा लगता है कि बहुमत नहीं है, वो इसलिए भंग करने की सिफारिश कर रहे हैं। तो उस स्थिति में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब गवर्नर ने उनकी सलाह मानने से इनकार कर दिया है, और मुझे पूरा यकीन है वो ये सलाह मानेंगे नहीं। अच्छा, मान लीजिए कि अगर सलाह नहीं मानते हैं गवर्नर, ऐसी सलाह आती है और गवर्नर को लगता है कि ये सलाह नहीं मांगनी है, तब वो क्या करेंगे? क्या किसी दूसरे दल को आमंत्रित करेंगे क्योंकि ये तो इस्तीफा दे रहे हैं, या इनसे कहेंगे कि नहीं पहले आप हाउस पे जाके दिखा दीजिए बहुमत, फिर आपकी सिफारिश मानेंगे? क्या परिस्थिति रहेगी? दोनों परिस्थितियां रहेंगी। पहली बात तो ये है कि वो उद्धव ठाकरे को कह सकते हैं कि आप सदन में अपना बहुमत सिद्ध करिए कि आप मेजॉरिटी में हैं भी कि नहीं, फिर मैं आपकी इस राय पर विचार करूँगा। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने उसकी राय माननी है तो भंग करने से पहले वो कोशिश करेंगे कि कोई और वैकल्पिक सरकार बन जाए चुनाव कराने से पहले। उसके लिए वो खुद भाग भाग के पार्टियों के नेता के पास नहीं जाएंगे। जो पार्टी वाले हैं, जो सरकार बनाने में रुचि रखते हैं, वो अपना दावा ठोकेंगे कि सर मैं बहुमत सरकार बना सकता हूँ। गवर्नर कहेंगे आप प्रूव करिए बहुमत दे पाएंगे, तो वो अपने पार्टियों की लिस्ट भेज देंगे। उसके बाद गवर्नर उनको 3 दिन का 7 दिन का 8 दिन का 10 दिन का टाइम दे सकते हैं कि ओके मैं आपको चीफ मिनिस्टर टेम्परेरी बना देता हूं, इस शर्त के साथ कि आप 1 सप्ताह के अंदर या 10 दिन के अंदर आप सदन में अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। अंतिम रूप से जो भी साबित होगा वो सदन के जो फ्लोर है वहीं पर साबित होगा, एसआर बोम्मई जजमेंट की वजह से? बिल्कुल। उसकी रीज़न ये है कि उससे पहले क्या होता था कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने विधायकों को बसों में भर भर के राजनिवास ले जाती थी और गवर्नर साहब के सामने परेड करवाया करती थी। गवर्नर वो आदमियों की गिनती करके निर्णय लिया करते थे। एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अब के बाद किसी भी सूरत में बहुमत का निर्णय राजनिवास में नहीं होगा, बहुमत का निर्णय केवल सदन पटल पर होगा, फ्लोर पे होगा। तो निर्णय जो भी होगा असेंबली के भीतर होगा, इसलिए वो प्रथा अब टूट गई है कि जो लोग भाग भाग के अपने विधायकों की परेड कराते थे राजनिवास में, और राजनिवास को भी समझ आ गया है कि तुम्हारी इस राय से कोई सहमत होने वाला नहीं है, इसलिए अब निर्णय सदन के भीतर ही होते हैं। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि हमने ये बात की कि अगर सीएम आते हैं और कहते हैं कि आप भंग कर दीजिए तब राज्यपाल ऐसा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए सीएम आते नहीं हैं, अभी कोई विधानसभा का सत्र भी नहीं है, लेकिन ये साफ दिखता है या जो बागी गुट है
वो राज्यपाल को पहुंचकर बता देता है कि हम नहीं है सरकार के साथ, या किसी भी वजह से कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन राज्यपाल को यह दिख रहा है कि सारा मामला अब गड़बड़ हो चुका है या इसकी आशंका है, क्या राज्यपाल खुद से भी सीएम को बुलाकर बोल सकते हैं कि कृपया आप फ्लोर पर जाइए और वहां आप साबित कीजिए, क्योंकि आशंका है कि आप बहुमत के बिना सरकार चला रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि वो भंग करें या ना करें, तो भंग का वो तो उसे उन्हें सीधा बता देंगे कि आपकी मैं राय से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे विचार से आपने शायद बहुमत खो दिया है, या तो आप बहुमत सिद्ध करिए। दूसरी बात यह है कि अब राजनीतिक गतिविधियाँ बड़ी तेज़ हो जाएंगी, लोग जा जा के गवर्नर हाउस में कहने लगेंगे कि हमारी पार्टी ने सपोर्ट नहीं है, फलाना है, तेज हो जाएंगी, क्योंकि प्रदेश में इनस्टेबिलिटी हो जाएगी और एक स्टेबल सरकार हमेशा रहनी चाहिए, ये किसी भी गवर्नर का पहला धर्म है। तो उस स्थिति में वो, अब संविधान में जो शब्दावली लिखी हुई है, इफ़ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर और अदरवाइज, मतलब राष्ट्रपति अगर ये महसूस करते हैं कि संविधानिक जो शब्दावली यूज़ की है उसे कहा गया है संविधानिक तंत्र विफल हो गया है, किसी प्रदेश में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो गया है और राष्ट्रपति इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, या तो स्वयं के विवेक से या गवर्नर की रिपोर्ट पे कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि अब वो प्रदेश डायरेक्ट से राष्ट्रपति के माध्यम से उसकी गवर्नेंस होगी। ऐसा कह सकते हैं सर कि अगर गवर्नर को ऐसा लग रहा है, मान लीजिए कोई गुट पहुँच के कोई दावा करता है या कोई जानकारी देता है कि हम सरकार के साथ नहीं है, या गवर्नर को खुद ही किसी वजह से लगता है, तो वो सीएम को खुद भी बुलाकर बोल सकते हैं कि आप फ्लोर पर जाइए। यस, उसका रीज़न ये है कि ये जो लोग दावे करेंगे कि हम उनके साथ हैं या हम उनके साथ नहीं हैं, उस सारी स्थिति को भांपते हुए गवर्नर कुछ भी कर सकते हैं। गवर्नर विल बी इन टोटल कंट्रोल ऑफ थिंग्स नाउ, इसके बाद तो सारी ताकत गवर्नर के पास ही रहेगी, तो गवर्नर उनको कह सकते हैं आप सिद्ध करिए मत करिए, जो भी कहना है। अब गेंद गवर्नर साहब के पाले में है, सारे डिसीजन गवर्नर साहब ने लेने हैं और उनका निर्णय अंतिम होगा। और ऐसा भी नहीं है कि गवर्नर का डिसीजन चैलेंज नहीं हो सकता, अगर गवर्नर कोई गलत काम कर दे तो वो कोर्टों में भी जा सकते हैं, लेकिन वो बाद की बातें हैं। कुल मिला के तो सारी स्थिति पर फिलहाल गवर्नर को निर्णय लेना है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, गवर्नर जो हैं वो खुद कोविड पीड़ित हो गए हैं और इस समय जो है अस्पताल में भर्ती हैं, ऐसे में क्या ये सारी प्रक्रिया रुक जाएगी सरकार गिरने बचने की, या नहीं वो अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर वो उसकी स्थिति में है तो? देखिए, ये कोविड शोविड शब्द कोई संविधान में नहीं है, किसी को कोविड हो गया या किसी की टांग टूट गई उसका संविधान से कोई मतलब नहीं है। गवर्नर का काम सिर्फ ये देखना है कि प्रदेश में संविधानिक तंत्र विफल हो गया है या नहीं, किसको क्या कोविड हो गया नहीं हुआ उसको गवर्नर को कोई मतलब नहीं है उससे। और अगर ऐसी परिस्थिति है कि नहीं गवर्नर वाकई में इस समय अयोग्य है, तो किसी दूसरे राज्य के गवर्नर को फिर प्रभार दे सकते हैं? नहीं, वो तो तब है जब गवर्नर अपना वो छोड़ दें, तो मान लो साथ वाले प्रदेश के गवर्नर को कह दे सकते हैं कि जब तक ये गवर्नर ठीक नहीं होते तब तक आप काम देखिए इसका, वो तो प्रावधान है संविधान में। एक और चीज़ आज देखने को मिल रही है कि शिवसेना जो कि सत्ताधारी जो गठबंधन है उसकी अगुवा है, जिसके मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे इस समय, उन लोगों ने एक व्हिप जारी कर दिया है कि जो विधायक हैं, जितने भी विधायक हैं पार्टी के, सीएम के घर पे पहुंचे, नहीं तो उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी उसके वो जिम्मेदार खुद होंगे। तो क्या सीएम के घर पर भी आना ये भी व्हिप का मामला बनता है? ये नहीं तो क्या होता है, नहीं तो, अरे भाई संविधान में आप विधायकों को कैसे डरा सकते हैं? आप विधायकों को एक ही बात से डरा सकते हैं कि हम तुम्हारी विधायकी समाप्त कर देंगे, है नहीं? और विधायकों ने भी एक उड़ते उड़ते एक शब्द सुना हुआ है कि व्हिप इशू हो गया है, व्हिप का मानना जरूरी है। व्हिप लागू कब होता है? व्हिप लागू होता है, जो शब्दावली है, इफ ए मेंबर वोट्स आर एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग कंट्रेरी टू द पार्टी व्हिप, तो व्हिप लागू होता है वोटिंग पे, वोटिंग होती है सदन के भीतर, आप फलाने कमरे में इतने बजे आ जाओ, आप मेरे दफ्तर में इतने बजे, इस पे व्हिप लागू नहीं होता है। किसी मीटिंगों में, पार्टी मीटिंगों में व्हिप लागू नहीं होता है। व्हिप केवल और सुनिए, आप सदन में उपस्थित हैं इसकी भी बात नहीं है, आपने वोट पार्टी के पक्ष में किया या नहीं किया वहाँ व्हिप लागू होगा, क्योंकि जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है संविधान में, और ये भारत के संविधान में 10वीं सूची में ये शब्द हैं, वोट्स आर एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग कंट्रेरी टू द पार्टी व्हिप, पार्टी के आदेश के उलट वोट करना या पार्टी ने जैसा आदेश दिया है उस हिसाब से वोट ना करना, अगर आपने किया है तो आपकी सदस्यता जा सकती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ वोटिंग पे है, इतने बजे वर्षा में आ जाओ, इतने बजे फलाने के घर आ जाओ, इसका कोई मीनिंग नहीं है।
इसलिए विधायकों को इस बात से तो डरने की जरूरत नहीं है कि साहब बेपिशु हो गया बेपिशु हो गया। एक बात तो है ना शर्मा साहब की, मान लीजिए चलिए मान लिया कि सीएम के घर आपको इतने बजे आना है, ये कोई मसला नहीं है व्हिप का, ठीक। लेकिन अगर सदस्यता इसी तरह से जा सकती है कि आपने पार्टी के आदेश के मुताबिक वोट नहीं दिया या वोट डालने के लिए पहुंचे ही नहीं, कहीं बाहर बैठे रह गए और सरकार की किरकिरी हो गई या दिक्कत हो गई, तो वहां पर आप के ऊपर ये लागू हो जाएगा। लेकिन कोई सदस्य ऐसा है जो लगातार भले सदन में सरकार के साथ वो वोट दे रहा है लेकिन वो बाहर जो है पार्टी के खिलाफ ही काम कर रहा है, किसी दूसरी पार्टी के मंच पे जाके बैठा हुआ है, ऐसी कोई भी गतिविधि कर रहा है जो सीधे सीधे पार्टी को नुकसान करती है, तो क्या पार्टी तब भी किसी भी तरह की कार्रवाई स्पीकर के जरिए नहीं करा सकती है? 100% करा सकती है पार्टी, पिटीशन के माध्यम से स्पीकर को कह सकती है ये हमारा सदस्य जो है ये एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहा है, ये देखिए फलानी तरीक को ये इस पार्टी के दफ्तर में गया, फलानी तरीक को इसने इसकी मीटिंग अटेंड की, वहाँ भाषण दिया, वहाँ उनसे माला पहनाई, वहाँ सरकार के खिलाफ बोला। तो आप 3-4-5 जो भी पॉइंट कहने अपनी याचिका में स्पीकर को कहेंगे कि इसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए, या वो खुद ही अगर उसको पार्टी से सस्पेंड कर देते हैं, अमूमन विधायक चाहता है कि उसको सस्पेंड कर दिया जाए पार्टी से, उसका उसको फ़ायदा ये मिलता है कि वो पार्टी का विधायक रहता है। लेकिन अगर स्पीकर की कोर्ट में चली गई बात याचिका के माध्यम से तो स्पीकर उसकी सदस्यता समाप्त कर देगा, और वो होती दिल्ली में भी हुआ है, कई बार हुआ है, पार्टी ने शिकायत की है उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है, तो पार्टी एक्शन तो ले सकती है स्पीकर के माध्यम से एंटी डिफेक्शन लॉ में। लेकिन स्पीकर का कोई भी आदेश किसी भी तरह का वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती हो सकती है? यस, उसकी वजह यह है कि अमूमन जो सदन की कार्रवाई है उसकी न्यायालय में चुनौती नहीं हो सकती, इसलिए स्पीकर के खिलाफ जब कोई सम्मन आते हैं तो अमूमन उसको रिसीव ही नहीं कर देते हैं, वो वकील को कह देते हैं सरकार के कि कोर्ट को बता देना आपकी कोई पावर नहीं है असेंबली के स्पीकर को इस तरह का आदेश। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल विरोधी कानून के उसमें लिखा हुआ है कि स्पीकर विल एक्ट लाइक ए मैजिस्ट्रेट, वो एज ए जुडिशरी काम करेगा, एज ए जुडिशरी काम करेगा, तो उसके जो काम किया है उसने किसी विधायक को अगर सदस्यता समाप्त की है तो इट इज़ सब्जेक्ट टू चैलेंज इन दी कोर्ट ऑफ लॉ, और ऐसे बहुत से केस हुए हैं जब स्पीकर के एक्शन को उलट दिया है न्यायालय ने। संसद में और दिल्ली विधानसभा में एक लंबा अनुभव रखने वाले एस के शर्मा, जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं, कई किताबें लिख चुके हैं इस विषय पर और बहुत जानकारी रखते हैं सारी प्रक्रिया की, उन्होंने बहुत विस्तार से और बहुत स्पष्टता से हमें महाराष्ट्र में जो परिस्थितियां इस समय चल रही हैं उनमें संविधान के आलोक में या संविधान के हिसाब से क्या क्या चीज़ें लागू होती हैं और क्या चीज़ें लागू नहीं होती हैं उनके बारे में हमें बताया। उन्होंने बताया कि अगर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बन रही है तो राज्यपाल के पास बहुत ज़्यादा अधिकार हैं, क्योंकि राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति आगे कोई निर्णय लेते हैं। तो राज्यपाल के पास अगर मुख्यमंत्री आते हैं और कहते हैं कि आप विधानसभा भंग कीजिए तो राज्यपाल उनसे कह सकते हैं कि पहले आप सदन में जाके बहुमत साबित कीजिए, तब मैं आपकी बात को विचार करूंगा, उसे मानूंगा। अगर राज्यपाल के पास कोई दूसरा गुट पहुंचता है, कोई दल पहुंचता है जो बहुमत का दावा करता है, सीएम के इस्तीफे के बाद कोई दूसरा दल आता है जो दावा करता है, तो राज्यपाल उससे कह सकते हैं, उसको आमंत्रित कर सकते हैं सरकार बनाने के लिए और कह सकते हैं कि आप 2 दिन में 4 दिन में या 10 दिन में आपको फ्लोर पर जाना है। तो जो निर्णय होना है वो विधानसभा के फ्लोर पर ही होना है बहुमत का, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक जो कि एसआर बोम्बई मामले में आया था। और राज्यपाल अगर चाहें तो वो खुद भी मुख्यमंत्री को बुला सकते हैं, जो उनके पास रिपोर्ट्स आ रही है या जो कोई दूसरा राजनीतिक दल या गुट उनको जानकारी दे रहा है कि वो सरकार के साथ अब नहीं है, तो उसके आधार पर मुख्यमंत्री को बुलाकर कह सकते हैं कि आप फ्लोर पर जाइए विधानसभा के और बहुमत साबित कीजिए। ये तमाम परिस्थितियां हैं जो राज्यपाल के अधिकार को बताती हैं। रही बात कि व्हिप जारी करने की, तो शर्मा साहब ने हमें साफ साफ बताया है कि व्हिप लागू होता है जब सदन में वोटिंग का कोई मसला हो, इस बात पर लागू नहीं होता कि विधायकों से यह कहा जाए कि आपको फला जगह पर फला वक्त में पहुंचना है। जब तक सदन में वोटिंग का कोई मसला नहीं है तो उसको व्हिप के दायरे में नहीं माना जा सकता है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि पार्टी विरोधी सारी गतिविधियां माफ है कानूनन, उसके लिए स्पीकर को आवेदन दिया जा सकता है, पर वो एक लंबी प्रक्रिया है जो यहां पर फिलहाल लागू होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो गवर्नर के पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं इस समय और जैसी परिस्थितियां बनेंगी उसके आधार पर गवर्नर निर्णय ले सकते हैं कि सरकार किसकी बन सकती है, बनेगी
या ये जो सरकार है ये रह सकती है या नहीं रह सकती है, या वाकई में राज्य में अब चुनाव की नौबत आ गई है, ये सारी बातें गवर्नर तय करेंगे।